हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, जिसमें 11 केवी लाइन को जमीन के अंदर से केबल के द्वारा किस तरह से गुजारा जाता है उसकी डिजाइनिंग करेंगे, उसका कुछ रूल्स देखेंगे, किस तरह से उसके रूल्स के थ्रू हम उसको जमीन के अंदर से गुजारते हैं किस। तो आइए चलते हैं टॉपिक्स पे। हम लोग इस टॉपिक पे जो हमारा केबल होता है उसको हम केबल को 45 सेंटीमीटर चौड़ाई के किनारियां जो है जमीन के अंदर कम से कम 1.5 मीटर की गहराई तक बनाई जाती है, उसमें हम केबल को डालते हैं और उसको हम फिर उससे गुजारते हैं। इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें बालू का इस्तेमाल किया जाता है। केबल डालने से पहले हमें 8 सेंटीमीटर की हम नीचे बालू की तह बना लेते हैं। इसके बाद फिर उसके ऊपर हम केबल डालते हैं। केबल डालने के बाद फिर उसमें हम फिर 10 सेंटीमीटर का हमें फिर बालू की एक तह डालते हैं। इसके बाद उसको ऊपर से हम मिट्टी डाल देते हैं और हम जो है केबल गुजारते हैं। ये तो हमारा डायरेक्ट विधि, डायरेक्ट मेथड जो हम ग्राम के अंदर केबल डालते हैं। दूसरा मेथड होता है कि केबल को हम पक्की नालियों से गुजारते हैं, यानी नेट की नालियों से गुजारते हैं। इसमें हम इसकी दीवारों पर हम इसके किनारे जो दीवारें होती हो वो हम ईंट की पक्की ईंटों से तैयार करते हैं। इसके बाद हम बालू डालते हैं, फिर हम इसके बाद केबल डाल देते हैं। इसके फिर ऊपर हम 10 सेंटीमीटर का हम एक बालू के लिए चढ़ा के उसको हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तीसरी विधि होती है कि हम नालियां जो हम नालियां बनाते हैं उसमें हम आरसीसी पाइप का इस्तेमाल करते हैं, जिसका व्यास जो होता है 10 सेंटीमीटर व्यास का होता है, उसके थ्रू हम केबल को गुजारते हैं। ये जो मेथड होता है वो अप्रत्यक्ष विधि कहलाती है, डायरेक्ट मेथड कहलाता है। तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा विधि जो है वो डायरेक्ट मेथड है। इसमें हम क्या होता है, इसमें खर्चे कम आते हैं और सरल भी होता है, इसलिए इस विधि का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। तो इस विधि में हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से क्या क्या चीजें होती हैं। पहली चीजें जो होती हैं, हमारा जो केबल होता है या तो 100 मीटर में उपलब्ध होता है, या तो 50 मीटर में उपलब्ध होता है, या तो 30 मीटर में उपलब्ध होता है। तो वो हम कौन सा केबल इस्तेमाल करेंगे वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। ध्यान दें, जो हम केबल को जमीन के अंदर गहराई में जो गुजारते हैं वो जो होता है तो 1.5 मीटर गहराई से जो नालियां गुजरती है उसको हम ट्रेंचिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेंचिंग कहते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर 1.5 मीटर की गहराई हमारा केवल गुजरा हुआ है, जो गहराई से गया हुआ है, इसको हम ट्रेंचिंग कहते हैं। और हर केबल जिस पॉइंट पे जुड़ता है उसे हम केबल ज्वाइंट कहते हैं। यहाँ पे हम लोग केबल बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, केबल बॉक्स इस्तेमाल करते हैं जोड़ने के लिए। केबल हर केबल को जोड़ने से पहले उसमें हम शुरू और लास्ट में हम 5 मीटर की लूपिंग करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर 5 मीटर की लूपिंग यहाँ पर रखी है और दूसरे वाले केबल, ये दूसरा खंड है, उसमें 5 मीटर की लूपिंग हमने यहाँ पर रखी। ऐसे हर केबल में 5 मीटर की लूपिंग शुरू में और लास्ट में की जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम 5 मीटर की लूपिंग कर रखा है और दूसरा जो हम यहाँ पर 5 मीटर की लूपिंग कर रखा है। तो बच्चा कितना हमारा जो हमारा केबल वास्तव में दूरी तय करता है, कितनी दूरी तय करता है, सिर्फ 40 मीटर। यहाँ देख लेते हैं, सिर्फ 40 मीटर दूरी तय किया है और वास्तव में जो हमारा केबल की लंबाई है कितनी है, वो 50 मीटर है। तो इस प्रकार से हम केबल को जमीन के अंदर जहां पर जहां से ले जाते हैं वहां पर भी पोल इस्तेमाल करते हैं, और जहां से हम केबल को जमीन के अंदर से निकालते हैं वहां पर भी हम क्या करते हैं, एक जो है पोल इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पोल पर केबल को निकालने से क्या होता है कि सुरक्षित होता है और उसे हम टर्मिनल पॉइंट बना सकते हैं आसानी से, और किसी को खतरा भी नहीं रहता है उस पॉइंट से। तो आगे चलते हैं, हम एक क्वेश्चन करेंगे इस पे और उसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि जो केबल है वो 50 mm स्क्वायर माप के PVC विद्युत रोधी एल्यूमिनियम चालक 11 kV ग्रेड की कवचित केबल वाली एक घुंघट लाइन की लंबाई 1000 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर
लाइन के मार्ग में एक सड़क क्रॉसिंग भी आ रही है, उस लाइन हेतु क्या क्या चीजें बनानी है। पहली चीज हमारे पास है लाइन के लिए आवश्यक सामग्री की सूची बनाना है, यानी लाइन में इस लाइन में क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीजें लगेंगी वो हम उसकी सूची बनाएंगे। दूसरी चीज है कह रहा है केबल जोड़ है तो आवश्यक सामग्री की सूची बनाए, यानी केबल को जहां पर जोड़ना है उसमें क्या क्या चीजें लगने वाली है उस ज्वाइंट पर, उसकी हमें सूची बनाना है। तीसरी चीज कह रहा है कि संस्थापन के श्रम मूल्य की गणना भी करना है, ये तीन चीजें हमें निकालनी है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ पूर्वानुमान लेना होता है। पूर्वानुमान में हम लोगों ने यहाँ परिकल्पना ले रखा है। परिकल्पना में पहला पॉइंट है लाइन सीधी रेखा में जा रही है। दूसरी चीज है हमारे पास केबल जो है 50 मीटर की लंबाई में उपलब्ध है। तीसरी चीज है केबल के प्रारंभ में और अंत में 5 मीटर की लूपिंग दे रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि जब ज्वाइंट दे रहा था या फिर हम कहीं पर लगा रहे हैं तो केबल को 5 मीटर की लूपिंग शुरू में कर देते हैं और लास्ट में करते हैं। हर केबल खंड में ऐसा किया जाता है। चौथे पॉइंट पे आते हैं केबल का संस्थापन जो किया जा रहा है वो प्रत्यक्ष संस्थापन विधि से किया जा रहा है। हमने बताया कि सबसे सरल और सबसे सस्ता होता है इसलिए इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। और अप्रत्यक्ष विधि का जिसका जो नाली जो हम पक्की नाली से गुजारते हैं या फिर आरसीसी पाइप के थ्रू गुजारते हैं उसका हम विशेष तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जहां पर केबल को ज्यादा सुरक्षित रखने की जरूरत पड़ती है वहां पर इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं। हमें हमारे पास दिया हुआ है केबल की माप जो है 50 स्क्वायर पीवीसी 11 kV 3 कोर केबल में उपलब्ध है। इसको बनाने से पहले हमें सिंगल लाइन डायग्राम डिजाइन करना होता है। सिंगल लाइन डिजाइन निकालने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करने होते हैं। वो कैलकुलेशन किस तरह से किए जाते हैं ध्यान दें कि हमारा जो लंबाई है वो 1000 मीटर तो है ही, दिया है कि हमारे 1000 किलोमीटर में हमें केबल दौड़ाना है जमीन के अंदर से 11 kV की। वो वास्तव में कितनी दूरी वास्तव में, तो वास्तव में दूरी हम देख देते हैं 1000 मीटर तो दौड़ना ही दौड़ाना है। और ऊपर जो हमारा जो ऊर्ध्वाधर दूरी है ये तो हमारी क्षैतिज दूरी है 1000 मीटर, और ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी आ रही है वो देख लेते हैं। ये 10 मीटर हमारा पोल खा लेता है ऊर्ध्वाधर और 1.5 मीटर ट्रेंचिंग खा लेता है शुरू में और लास्ट में भी इतना ही खाता है। देखिए 10 मीटर इधर और 1.5 मीटर ट्रेंचिंग, यानी कि टोटल हमारा ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होती है 11.5 + 3.5, यानी कि कितना होंगे 23 मीटर। तो टोटल दूरी कितनी हो जाती है हमारी जो दौड़ने वाली है केवल दौड़ता है कि यह दूरी जो कितनी होगी वो हमारी कितनी होगी 1030 मीटर, जिसमें कि 23 मीटर हमारा क्या है ऊर्ध्वाधर। आगे देखते हैं, क्योंकि 50 मीटर का जो केबल है वो लूप को छोड़कर कितनी दूरी तय करता है, वो कितनी दूरी तय करता है 40 मीटर, फिर कितनी दूरी तय करता है 40 मीटर। तो 50 मीटर के कितने केबल खंड की कितने केबल खंड लगेंगे वो देख लेते हैं। केबल खंड कितने लगेंगे अगर 1000 से हम 40 से डिवाइड कर दें तो निकल आएगा कितने खंड लगने वाले हैं। हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पे, देखिए यहाँ से 1023 में से हम 40 से डिवाइड कर दिया है, इससे हमारा क्या निकल के आ रहा है 25 खंड तो पूरे के पूरे लगने वाले हैं। जो 26वां खंड है 0.57 उसकी जो दूरी है वो 26वां खंड है वो पूरे 50 मीटर का नहीं है, वो 50 मीटर से कम ही लगेगा। वो कितना लग रहा है वो 23 मीटर लगेगा। अगर हम 40 में 0.57 मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 23 मीटर, यानी लास्ट खंड जो है 23 मीटर का है। इस प्रकार हम पहले खंड की जो क्षैतिज दूरी तय कर रहा वो देखते हैं कितना क्षैतिज दूरी तय कर रहा वो निकाल लेंगे। तो पहला खंड जो है प्रथम खंड की क्षैतिज दूरी जो है 40 में से अगर हम ऊर्ध्वाधर दूरी घटा देते हैं, कितना दूरी घटा रहे जो हमारा पहले पोल का ऊर्ध्वाधर दूरी घटा देते हैं हमारा तय हो जाएगा कितनी तुम्हारी क्षैतिज दूरी तय करता है। ध्यान दें 40 में से हमने 10 मीटर हमारा पोल घटाया और 1.5 मीटर ट्रेंचिंग का घटा दिया। यहाँ पे ध्यान दें 40 मीटर हमने क्या घटा दिया 10 मीटर पोल घटा दिया और 1.5 मीटर हमने ट्रेंचिंग घटा दिया, बचा कितना 40 में से 28.5 मीटर जो है क्षैतिज दूरी तय करेगा। यहाँ पर देख लेते हैं हम सिंगल लाइन डायग्राम का एक समझाने के लिए था, वैसे सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा ये एक पोल है कितनी पूरे टोटल 10 और 1.5 और 28.5 टोटल कितना हो जाता है 40 हो जाता है। तो 40 में से हम ऊर्ध्वाधर घटा देते हैं तो हमारा बच जाता है क्षैतिज दूरी 28.5। यहाँ पर देख यहाँ पे 28.5 क्षैतिज दूरी यहाँ पे हो गई सेम। अब लास्ट वाले देखते हैं
अंतिम खंड जो हमारा है 0.75 में से अगर हम ऊर्ध्वाधर दूरी घटाते हैं, ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है हमारी अंतिम खंड 23 में से अगर ऊर्ध्वाधर दूरी घटाते तो हमारा कितना बचेगा, यानी 0.575 40 माइनस 11 हमारा पोल्स की दूरी, सॉरी 10 हमारा पोल्स की दूरी है और 10 हमारा कितना है ट्रेंचिंग की दूरी, तो इस तरह घटा तो हमारा जो ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी बचती है घटाने के बाद, दूरी घटाने के बाद हमारा कितना बचता है 11.5 हमारे क्या हो गई क्षैतिज दूरी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकल आया क्षैतिज दूरी, इसको हम निकाल लेंगे तो बचा कितना, अगर मध्यखंड कितना बचा है, मध्यखंड जो बचा हुआ है अगर इस 1000 में से ये वाली 28.5 शुरू वाला क्षैतिज और लास्ट वाला क्षैतिज घटा दे तो हमारा बच जाए हमारा मिल जाएगा कितना वो मध्यखंड कितना दूरी है। 1000 में से हमने मध्यखंड वाले घटा दिए, यहाँ पे देख लीजिए मध्यखंड कहता है कि ये दूरी कितनी है वो हमारा 1000 माइनस 28.5 माइनस 11.5 तो हमारा 960 मीटर मध्य खंड द्वारा तय किया जाए। अब देखते हैं केबल की कुल खंड की लंबाई कितनी, केबल की जो टोटल लंबाई कितनी आ रही है तो देख लेंगे, एक खंड हमारा शुरू वाला है और मध्य खंड वाले कितने हैं तो मध्य खंड वाले जो हमारे कितने होंगे 24 होंगे, कितने होंगे 24, क्योंकि अगर 960 में 24 डिवाइड करेंगे तो हमारा 960 में अगर 40 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, 24 और ये शुरू वाला कितना एक खंड ये 25 कितना हो गया 25 खंड, ये यहाँ से देखिए निकल आया ये 25 खंड तो हमारा 50 मीटर के रहेंगे लगेंगे लगेंगे पूरे तो 50×25 कर दिया। इसके बाद जो लास्ट वाला खंड है वो कितना होता है वो खंड देखिए 5 मीटर के हमने लूपिंग यहाँ पर कर रखी है ये हमारे, इसके बाद लास्ट में हमने 5 मीटर की लूपिंग कर रखी है यहाँ पर ध्यान देंगे। इसके बाद हमारा ये बीच वाला जो क्षैतिज दूरी कितनी है 23 मीटर, ये हमारा खंड हमारा दूरी तय कितने दूरी तय कर रहा है 23 मीटर, 23 प्लस 5 प्लस 5 यानी कि 33 मीटर तो 1200 कितना हो गया 83 मीटर टोटल हमारा केबल लगेगा, इतना ही लगेगा ये हमारा कैलकुलेशन निकालना होता है। फिर हमें सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं तो सिंगल लाइन डायग्राम में आते हैं कैसे बनाया जाता है उसको ध्यान देते हैं। यहाँ पे हमने बना रखा ध्यान जी ये हमने बना रखा है देखिए शुरू में हमारा पहला पोल और लास्ट वाला पोल है, पहला पोल हमारा कहाँ है यहाँ है और दूसरा फ्रंट पोल का जो है वो यहाँ पर दे रखा है। अब ध्यान दें हमारी पहले पोल से पहले खंड पहले जो शुरुआत जो हमारा केबल हो रहा है और लास्ट के दूरी कितनी तय कर रहा है छाती वो 28.5 हमने यहाँ पर दिखा रखा है, 28.5 हमने यहाँ दिखा रखा और लास्ट वाला खंड पे हमने दिखा रखा है वो तो कितना है 11.5 मीटर। बीच वाले खंड कितनी दूरी तय करेंगे, बीच वाले खंड जो दूरी तय करते हैं वो तो शुरू में लूपिंग हम देते हैं और लास्ट में लूपिंग देते हैं 5 मीटर की तो बचा कितना देखिए यहाँ पे 5 मीटर के हम लूपिंग यहाँ दे रखे हैं इस खंड पे बात करते हैं 5 मीटर की लूपिंग यहाँ दे रखा है और दूसरी 5 मीटर की लूपिंग हमने यहाँ दे रखे तो बचा कितना बीच वाला 50 में से 10 घटाएंगे 10 यानी 50 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 40 मीटर हमारी दूरी तय कर रहा है यानी बीच वाले जो खंड है मध्य खंड जो है जो जमीन के अंदर गुजर रहे हैं वो कितनी दूरी क्षैतिज तय कर रहे हैं 40 मीटर 40 ऐसे हम डायग्राम हमने नहीं दिखाया बस बीच वाले हमने दिखाए हैं एक दो और हमने बताया है कि ये खंड में एक रास्ता उसी खंड में कहीं एक रास्ता भी निकल रहा है तो रास्ता हमने सड़क दिखा दिया ये देखिए सड़क दिखाया हमने सड़क भी दिखा दिया इस सड़क के नीचे से हमारा केबल गुजरता है वहां पर हम पाइप का इस्तेमाल करते हैं क्यों क्योंकि केबल सड़क पे लड़ाई चल रही तो उस पर दबाव पड़े तो केबल फ्रैक्चर हो सकता है उसको बचने के लिए हम उसके अंदर हम आरसीसी पाइप इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा आरसीसी पाइप का वहां इस्तेमाल करते हैं जहां विशेष तौर पर जरूरत पड़ती है ठीक है यहाँ पे हम लगाएंगे आगे देखते हैं। यहाँ पर जो हम पहला पोल और लास्ट पोल दिखाएंगे पहले पोल पे देखिए हमारा क्या क्या चीजें लगी होती है एक क्रॉसआर्म होगा क्या लगा होगा एक क्रॉसआर्म लगा होगा एक क्रॉसआर्म है जिसपे हमें इंसुलेटर लगा होता है जो लाइन आई रहती है। इसके बाद एक और क्रॉसआर्म लगेगा जिसपे हम केबल बॉक्स लगा रखते हैं इस टर्मिनल पॉइंट से होते हुए जंपर वायर के थ्रू होते हुए केबल बॉक्स में हमारा वायर आता है
ये जो होता है भी केबल ही होता है, और ये हमारा क्या होता है बुशिंग इंसुलेटर, टर्मिनल पे बुशिंग इंसुलेटर इसलिए लगाया जाता है जिससे कि हमारा एक वायर दूसरे से एक डिस्टेंस मेंटेन रहे और उसमें शॉर्ट सर्किट होने की क्या हो चांसेस ना, इसलिए हम बुशिंग इंसुलेटर इस्तेमाल करते हैं। हमने तीन बुशिंग इंसुलेटर इस्तेमाल किया है, तीन जम्पर वायर इस्तेमाल कर रखा है और तीन पिन इंसुलेटर इस्तेमाल। इसके बाद जो है केबल से होते हुए लाइन हमारी पाइप केबल जो है, फिर यहाँ के बाद हमारा जो आता है यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ के बाद हमारा पाइप जो है पाइप के थ्रू इस्तेमाल होगा, पाइप के थ्रू हमारा जीआई पाइप इस्तेमाल होगा केबल को सुरक्षित रखने के लिए। यहाँ से हमारी पाइप के थ्रू हमारा जमीन के अंदर केबल चला जाए तो ट्रेंचिंग पे जाता है, इसके बाद हमारा बिना पाइप के केबल जमीन के अंदर से गुजरता है। फिर लास्ट पॉइंट पे हम क्या करते हैं, लास्ट पॉइंट फिर एक पोल लगाते हैं, उस पोल पे इसके थ्रू हम फिर पाइप के थ्रू हम पंप जो है केबल निकालते हैं। फिर हम केबल क्या है केबल बॉक्स में जाता है, वहां से टर्मिनल निकालते हैं, थी बुशिंग इंसुलेटर से ट्रेमेंट निकलता है, इसके बाद हम जम्पर वायर तक, फिर हम पिन इंसुलेटर को दे जाते हैं। यहाँ से कनेक्शन जहां भी जाना होता है यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से कनेक्शन जहां भी देना होता है वहां यहाँ से देखिए यहाँ से पहुंचा देते हैं। इस प्रकार हमारा इसके चीजें हम शो करेंगे, पिन इंसुलेटर, जम्पर वायर, ग्लास आर्म, सपोर्ट और ये केबल बॉक्स, केबल, जी आई पाइप, ये सारी चीजें हम दिखाते हैं जिससे क्या होता है कि आसानी से सारे सारे इसके डिजाइन हम दिखाना पड़ता है। केबल केबल की लंबाई मापने की एक तरीका ये भी है, हमने पहले से निकाल रखा, इसको आप लोग पीडीएफ में मिल जाए, ये भी तरीका देख लीजिएगा। और हाँ नोट में हमने लिख रखा है कि केबल की एक्स्ट्रा 10% लंबाई लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने पहले से ही 5 मीटर की लूपिंग अतिरिक्त कार्यों के लिए ले रखा है, लेने की जरूरत नहीं। हमें आज से पहले हम जब ओवरहेड लाइन पे हम करते थे डिजाइनिंग तो उसमें हम 10% एक्स्ट्रा वायर लेते थे, इसमें यहाँ 10% एक्स्ट्रा केबल लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने पहले से 5 मीटर की लूपिंग दे रखी है। आइए चलते हैं अब इसकी गणना करते हैं कि जो हम इसमें एस्टिमेटिंग करते हैं कि इतनी सामग्री लगने वाली है वो ध्यान देते हैं। तो सड़क क्रॉसिंग में लगने वाली जो सामग्रियां हैं उस पर ध्यान देते हैं। सड़क के नीचे से हमारा केबल गुजर रहा है तो वहां पर केबल को सुरक्षित रखने के लिए हम आरसीसी पाइप डालते हैं। उस सड़क पे सड़क के नीचे जो आरसीसी पाइप होता है वो 10 सेंटीमीटर व्यास का होगा, कितने सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर व्यास का होगा और वो 7 मीटर लंबी चौड़ाई का अगर रास्ता मान के चलते हैं तो उसके नीचे से हम 7 मीटर लंबाई में आरसीसी पाइप डालेंगे। ये मान के चलते हैं कि हमारा जो आरसीसी पाइप होता है वो 3.5 मीटर 3 मीटर में उपलब्ध होता है, से 2 पाइपें लगेंगी, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 100 मीटर प्रति हमारा रेट जो हमारा वो लगेगा खर्चा आ रहा है पाइप का, हिसाब से हमारा 700 रुपए की पाइप हो जाएगी। ये हम सारी उसकी बना लेंगे, टेबल बना लेंगे, उसमें क्या क्या चीजें होती है, क्रम संख्या, सामग्री के नाम, विशेषता, मात्रा, दर, मूल्य और टिप्पणी। दूसरी चीज क्या होती है, पाइप को जाम रखने के लिए, पाइप को जाम करने के लिए पाइप इधर उधर ना हिले सड़क पर, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको जान रखने की ईंट और ईंट के थ्रू हम सीमेंट से पक्की दूसरे से जोड़ देते हैं। ईंट कितने लगने वाले हैं, वो लगने वाले 500 ईंट, तो मान के चल रहे हैं कि हमारा 6 रुपए प्रति के हिसाब से हमारा ईंट लग रहा है तो 3000 रुपए हमारा ईंट का लग जाएगा। लास्ट में हम बालू सीमेंट लगाते हैं तो मान के चल रहे हैं हमारा 1.5 मीटर घन हमारा बालू सीमेंट लग जा रहा है उसको जोड़ने उसको जान। इस प्रकार हम सामग्री जोड़ लेंगे सड़क की क्रॉसिंग के लिए, सामग्री कितना आ रहा है 4,450 रुपए। श्रम मूल्य क्या होता है, हम यहाँ पे श्रम मूल्य जो है वो सामग्री मूल्य का 40% निकाल लिया जाता है, हमने 40% यहाँ पे निकाल लिया है। इसके बाद जो अतिरिक्त मूल्य होता है, प्रभार होता है, अतिरिक्त मूल्य का है वो जो है सामग्री और श्रम मूल्य का 11% निकाल दिया जाता है, तो हमने यहाँ पे 11% निकाल लिया है, 11% निकाल लिया है, देखिए तो जोड़ के 11% निकाल लिया है इतना। सड़क क्रॉसिंग में जो लागत लग रही है, उस सड़क क्रॉसिंग में लगने वाली लागत कितनी है, सिर्फ पहला श्रम मूल्य, दूसरा पहला सामग्री मूल्य, दूसरा श्रम मूल्य, तीसरा प्रभाव, तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारा आ गया सड़क किस क्रॉसिंग में लगने वाली कुल लागत। आगे चलते हैं, अब जो 11 जो हमारा 1000 मीटर लंबी भूमिगत लाइन है यानी 11 केवी की जो लाइन है उसमें लगने वाली सामग्री क्या है, उस सामग्री की सूची बनाना है। देखिए क्रम संख्या सब सामग्री का मूल्य, सामग्री विशेषता, मात्रा, दर, मूल्य, टिप्पणी बना लेंगे।
सारी चीजें बनाने के बाद इसमें पहली चीज हमें केबल लगेगी। केबल हमारा उसकी विशेषता क्या है, 50 mm² 11 kV 3 पोल का केबल है। ये जो हमारा 1283 मीटर में उपलब्ध है, हम 1283 मीटर हमें चाहिए, कितना चाहिए 1283 मीटर चाहिए। वो हम मान के चल रहे हैं कि वो 300 मीटर 300 रुपये पर मीटर हमारा केबल का रेट है, इस हिसाब से 384,900 रुपये यहाँ पर उसका रेट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद आरसीसी पाइप लगेगा, आरसीसी पोल लगेगा, सॉरी आरसीसी पोल हमारा शुरू में लगता है और लास्ट में लगता है। आरसीसी पोल हमने यहाँ पे देखिए दे रखा है, आरसीसी पोल 11 मीटर लंबा, 2 पोल लगेगा, एक शुरू में और एक लास्ट में, जहाँ से हम केबल को जमीन के अंदर ले जाते हैं टर्मिनल पॉइंट पे, और लास्ट में जहाँ से हम टर्मिनल निकालते हैं जमीन के अंदर से, वहां पर एक पोल लगेगा। क्रॉस आर्म कितने लगने वाले हैं, 4 लगने वाले हैं, एक शुरू में 2 और शुरू में लास्ट में 2, इस हिसाब से 4 लग गए। देखिए आप इसका हमने रेट निकाल लिया यहाँ से। इसके बाद पिन इंसुलेटर जो लगने वाला है 11 kV का, वो कितना लगने वाला है, 3 3 6 लगने वाले। यहाँ पे हमने 12 दे रखा है, उसको आप लोग रेट कर लीजिएगा। यहाँ पे कितने लगेंगे, 6 लगेंगे। पहले एक इंसुलेटर का जो रेट मान रखा हमने कितना, 100 रुपये मान रखा है सर, इस हिसाब से 1200 रुपये हो गए, आप लोग रेट कर लीजिएगा। इसके बाद बुशिंग इंसुलेटर कितने लगने वाले हैं, बुशिंग इंसुलेटर 3 शुरू में और 3 लास्ट में, टर्मिनल पॉइंट पे लग रहा था टर्मिनल निकालने के लिए, यहाँ पे 6 लगेंगे, उसके हिसाब से हमारा 1200 रुपये हो गया ये टर्मिनल बुशिंग इंसुलेटर। इसके बाद जम्पर तार कितने लगने वाले हैं, 3 लास्ट में और 3 शुरू में, यहाँ तो 6 लग जाएंगे, इस हिसाब से हमारा 600 रुपये ये आ जाएगा। टर्मिनल केबल बॉक्स की बात करते हैं, वो कितने लगने वाले हैं, शुरू में 1 लगता है और लास्ट में लगता है, यहाँ पर 4 दे रखा है, आप लोग 2 कर लीजिएगा, एडिट कर लीजिए कि शुरू में 1 लगता है और लास्ट में लगेगा, जिस हिसाब से हमारे उसको निकाल लेंगे। भूमिगत निकास प्रवेश पाइप, जो हमने GI पाइप के थ्रू हम केबल को जमीन के अंदर ले जाते हैं शुरू और लास्ट में, इससे सुरक्षित रहता है हमारा केबल किसी जानवर से या बाढ़ से या फिर किसी तरह निकलने या कोई उसे काट नहीं सकता है, उससे हम उसको सुरक्षित GI पाइप के थ्रू ही ले जाते हैं, जिसका व्यास हमारा क्या होता है, हम मान के चल रहे हैं 50 mm वायर व्यास का, उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, उसका हमने इस्तेमाल कर रखा है 20 मीटर का, उसका हमें 10 मीटर शुरू में लगता है, 10 मीटर लास्ट में, और पाइप जो हम पाइप के थ्रू हम केबल को ले जाते हैं जमीन के अंदर, और दूसरा जहाँ पाइप के थ्रू केबल को बाहर आप इस्तेमाल। आगे चलते हैं, केबल लक्स जो लगने वाले हर पॉइंट पे, हर जोड़ पे हमारा कितने लक्स लगेंगे, लक्स क्या होता है आप बता देते हैं, हाँ तो इसमें जो है जो केबल्स होता है, केबल्स में हर लक्स लगे होते हैं, लक्स के देखिए यहाँ पर लक्स जो है केबल को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे ये लक्स इसके ऊपर हम रख के इसमें हम नट बोल्ट कस देते हैं, ये लक्स इसके ऊपर लग के नट बोल्ट से कर देते हैं, इसे क्या होता है लूज कनेक्शन होने का डर नहीं रहता। इसके बाद जो है इस ये लक्स जो होता है, लक्स के ऊपर हम स्लीव चढ़ा देते हैं, स्लीव को क्या है इसके ऊपर हम ढक देते हैं, इसके ऊपर ढक देंगे तो क्या होगा ये इंसुलेटेड हो जाता है, जो खुला तार होता है वो क्या हो जाता है इंसुलेटेड हो जाता है, जिससे क्या होता है आपस में शॉर्ट करने का डर नहीं रहता है। और इसके बीच हम इसे टेप भी चढ़ा देते हैं, टेप के ऊपर से स्लीव चढ़ा देते हैं। इसके बाद हम इसमें हम फिलर मटेरियल भी डालते हैं, क्योंकि इसकी डिस्टेंस एक वायर के एक केबल के दूसरे केबल्स के जो कोर है उसकी डिस्टेंस क्या हो आपस में एक समान बनी रहे, इसलिए हम इसके फिलर मटेरियल्स भी इस्तेमाल करते हैं, वो हम आगे देखेंगे क्या। इसके बाद हम जब इसको हम जोड़ देते हैं, इसको हम फिर वेल्ड भी किया जाता है, वेल्ड इसलिए किया जाता है कि लूज कनेक्शन अगर बाई चांस रह भी गया है तो कंटिन्यूटी आपकी क्या है बनी रहे, इसलिए हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से हम जब एक कोर का हमने दिखाया है, इसके ऊपर हम क्या है जोड़ने के बाद इसके ऊपर हम स्लीव चढ़ा देते हैं, फिलर मटेरियल भी डाल रहे हैं, टेप भी लगाए रहे हैं, ये चीज उसमें होती है। तो आगे चलते हैं, जो हम लिस्ट पढ़ रहे थे लिस्ट देख रहे थे, तो हम केबल लक्स लगेंगे कितने कितने जोड़ हैं आपके, 25 जोड़ हैं, 25 × 6 करेंगे कि हर हर जो है जोड़ पर कितने लग रहे हैं आपके, 6 लग रहे हैं और 3 क्या है स्लीव लग रहे हैं, तो देख लेते हैं उस हिसाब से हमारा 25 × 6 करेंगे तो हमारा 150 हमारा क्या आ जाएगा लक्स आ जाएंगे, और हर लक्स का दाम हमने 50 रुपये दे रखा है, 50 रुपये बहुत ज्यादा हो गया, आप जरूर 30 रख लीजिएगा, एक ये हो गया। इसके बाद स्लीव जो कितने लगने वाले हैं, 25 जोड़ है तो हर जोड़ पे कितने लग रहे हैं,
तीन लग रहे हैं तो 25 में 75 हो जाते हैं। 75 हिसाब से यहाँ कैलकुलेशन करके आप लोग निकाल लीजिएगा। इसके बाद एम्पायर टेप, एम्पायर टेप क्या होता है, निकाल के जोड़ लगाने के बाद हम वेल्ड करते हैं, वेल्ड के बाद टेप चढ़ाते हैं, टेप के बाद फिर स्लिप चढ़ाते हैं, वो सारी चीजें रहेगी। तो हमने एम्पायर टेप इस्तेमाल कर लिया जाता है। वो कितने लगने वाले, वो 300 हर्ज मान लेते हैं, जोड़ के दो तीन दिन खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जीएसटी टेप भी रहेगा, दो तीन दिन हर जोड़ पे खर्च हो जा रहा है, इस हिसाब से 300 ये लग रहा है। केबल बॉक्स की बात करते हैं, जीएसटी टेप जो होता है जब केबल बन जाता है, केबल को हम जब उसको फिलर मटेरियल डाल देते हैं, इसके बाद हम जीएसटी टेप उसके सबसे टॉप लेवल से चढ़ाते हैं, स्लीव जिसे हम लोग कहते हैं सर्विस लेयर, उस पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं, केबल कंपाउंड की बात करते हैं। केबल कंपाउंड में बताया था कि हर केबल का जो कोर होता है उसको एक डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए हम उसको फिलर मटेरियल से भरते हैं, जिससे क्या होता है उसकी डिस्टेंस मेंटेन रहे और उससे शॉर्ट होने का डर ना, यानी उससे नजदीक ना आए, जिससे क्या होता है अगर नजदीक आता है तो उसके लिए कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का डिफरेंस आता है, जिससे लाइन में क्या फ्लक्चुएशन आ सकता है, थोड़ा बहुत आता है वो पता नहीं चलता है, फिर भी अगर थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो जाए तो इससे ज्यादा फर्क पड़ने लगता है। आगे चलते हैं, केबल कंपाउंड की बात करते हैं। केबल कंपाउंड हमने बता दिया, ये जो पदार्थ हमने कहा हर जगह वेल्ड किया जाता है हर जोड़ पे, तो वेल्डिंग के लिए जो वेल्डिंग पदार्थ यानी कि जो हमारे रांगे इस्तेमाल होते हैं, यानी जो हमारा केबल कंपाउंड इस्तेमाल होता है, वो के स्थान पर जोड़ पदार्थ जो हम लगा रहे हैं वो हमारा 7,000 रुपये लग रहा है। इसके बाद ईट की बात करते हैं, हीट जो कितने लगने वाले हैं। ईट का जो गड्ढा तैयार किया जाता है वो 1.5 मीटर का होता है, 1.5 और 1 मीटर का गड्ढा, जो लंबाई में 1.5 मीटर होगा और चौड़ाई में कितना होता है 1 मीटर होता है, और गहराई में कितना रहेगा, वो गहराई में आपका 1.5 मीटर से 1.5 मीटर रहता ही रहता है। उस हिसाब से हमारा ईंट जो लगने वाला, ईंट की जो माप हमारे पास है वो 9 सेंटीमीटर, 9 × 9 × यानी कि जो हमारा माप है 9 सेंटीमीटर ईंट लंबा है। इसके बाद चौड़ाई कितनी है 9 सेंटीमीटर, और जो हमारे इसकी चौड़ाई जो मोटाई है ईंट की वो 4, ये हमारा उसका ईंट का जो माप है उस गड्ढे में लगने वाला है। उस हिसाब से हर गड्ढे में, हर गड्ढा तैयार करने के लिए हमें मान लेते हैं 7.5 फीट लगे, क्योंकि 25 गड्ढे तैयार होंगे, क्योंकि 25 जोड़ हम जॉइंट हमारे, तो जॉइंट बॉक्स के लिए हम रखने के लिए हम गड्ढे तैयार करते हैं, गड्ढे हमने तैयार किया है उसमें लगने वाले हैं। हमने जॉइंट बॉक्स नहीं दिखाया तो जॉइंट बॉक्स भी आप लोग बना लीजिएगा, एक लिस्ट उसकी भी बना लीजिएगा, हर जोड़ पे जॉइंट बॉक्स के थ्रू ही उसे हम जोड़ के हम उसे सुरक्षित रखते हैं। कितना लग जाएगा, बालू सीमेंट कितने लगने वाले हैं। मान के चला जाता है कि बालू सीमेंट 100 मीटर जब दौड़ाया जाता है तो उससे हर गड्ढे के तैयार करने के लिए हमारा 100 मीटर के लिए जितने भी गड्ढे तैयार होंगे वो होंगे कितने, 10 मीटर घन हमारा जो है बालू सीमेंट खर्च जाता है। हिसाब से 1000 मीटर के लिए 100 मीटर घन हमारा बालू सीमेंट खर्च जा रहा है। हिसाब से हमने मान रखा बालू सीमेंट का जो वेट है 1 मीटर घन का, वो हमने 300 रुपये दे रखा है, इस हिसाब से 30,000 रुपये इसका आ जाता है। सामग्री मूल्य निकाल लेंगे, सामग्री मूल्य को सब टोटल यहाँ से जोड़ लेंगे, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग क्या करेंगे, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक आप जोड़ लेंगे इसको, ये सामग्री मूल्य आ जाएगा। सामग्री जो मूल्य आ गया ये इतना है 5,93,600 रुपये हमारे हिसाब निकला है। इसके बाद आप जो है श्रम मूल्य की गणना कर लेंगे, श्रम मूल्य जो होगा सामग्री मूल्य का 40% निकाल लिया है, देखिए यहाँ पे 40% निकाल लिया है। इसके बाद जो है अतिरिक्त प्रभार जो है सामग्री मूल्य और श्रम मूल्य का, श्रम मूल्य का 11% निकाल लेंगे, वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। इसके बाद 1000 मीटर जो लंबी भूमिगत लाइन उसकी उसमें लगने वाली कुल लागत कितनी आ रही है 1000 मीटर में जो दौड़ाने में, वो कितनी सामग्री मूल्य श्रम मूल्य और प्रभार को हमने क्या किया जोड़ लिया, तो हमारा 1000 मीटर लंबी जो 11 केवी की लाइन है उसमें कितनी लागत आ रही है केवल दौड़ाने में, वो 9,22,454 रुपये लग रहा है। इसके बाद कुल लागत कितनी आएगी, कुल लागत पर ध्यान दीजिए, कुल लागत में जो है आपका सड़क क्रॉसिंग भूमिगत लाइन को जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल निकल आएगा, इस हिसाब से हमारा 9,29,369.53 रुपये लग रहे हैं। और ये मान के चला जाता है 1 किलोमीटर की जो लंबाई दौड़ाई या केबल जो दौड़ाया जाता है उसमें लगने वाला जो खर्च है वो मान के चला जाता है कि 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं।
ये जो आपका हो गया एक अनुमानता आप निकाल लेंगे, आपको कैलकुलेशन करना होता है तो आप लोग इसके लिए आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे जोड़ने के लिए, आपको लोग कैलकुलेटर अलाउ होता है और इस तरह से आपका एक अंडरग्राउंड वायरिंग एक खत्म हो जाती है, आप पैसे ही आप बना सकते हैं। हाँ, लास्ट एक पॉइंट बचा था कि केबल जोड़ में लगने वाले पदार्थ क्या होंगे। केबल जोड़ में लगने वाले पदार्थ की जो सूची रहती है वो होगा स्लीव होता है, जॉइंट बॉक्स होता है और केबल लक्स होते हैं, फिलर मटेरियल्स होते हैं, एसटी टेप होते हैं और इम्पायर टेप होते हैं। ये तीनों, ये इतनी चीजें आती हैं जो हमने की लिस्ट में बना के आपको दिखा दिया है, जो हम 1000 मीटर की लंबाई के जो आवश्यक सामग्री बना रखे हैं उसमें हमने दिखा दिया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए हमने केबल लक्स स्लीव एम्पायर टेप एसटी टेप सारी स्पायरल कंपाउंड जो पदार्थ ये सारी चीजें हमने दिखा दी, तो इसी टेबल में हमने तैयार कर लिया है, तो अलग से दिखाने की कोई जरूरत नहीं। आज के लिए अब ये आपका भूमिगत लाइन का जो वितरण लाइन है ये पूरा हो जा रहा है। अगले बार हम सर्विस मैन पढ़ेंगे, सर्विस मैन यानी कि जो आपके घरों में जो लाइट जाती है मीटर तक पोल से होकर उसका खर्चा कितना आता है, कि कनेक्शन लेने के लिए वो कितना खर्चा पड़ता है वो आप देखेंगे, यानी पोल से लेकर आपके मीटर तक जो लाइन दौड़ाई जाती है केबल दौड़ाया जाता है उसके लिए कितनी विधियां इस्तेमाल की जाती है वो हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, थैंक यू।